Well, it's not just a battle of ballot, but to put it in a rather interesting way, it's a battle of brothers in the Naugaon hot seat. While BJP has allotted ticket to sitting MLA Rupak Sharma, Congress on the other hand has pitted his cousin Shantanu Sharma from the same constituency. Northeast Live got in touch with both the candidates to know more about their winning prospects and more so their political equation with each other. Rupak Sharma has pitched for a holistic development of the constituency if voted to power, adding that people will cast their vote in his favour since he has been working quote-unquote tirelessly over the past 5 years. Rupak Sharma ji, sabse pehle holi ki aapko bahut sari badhaiya. अब कल जो है बस कल का दिन बचा रह गया है आखिरी ये कैंपेनिंग के लिए. ये दूसरा जो है चरण जो है काफ़ी रोमांचक जो है इसकी कैंपेनिंग रही है. यहाँ नौगांव में बीजेपी के आप प्रार्थी हैं, अब तक कैंपेनिंग का सफ़र कैसा रहा है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप के वो के वोटिंग के दिन आप ही जीतेंगे? नहीं देखिए, 5 साल मैंने MLA था यहाँ पर, तो 5 साल मैंने जैसे काम किया था वहाँ लोगों ने देखा है. अभी डेवलपमेंट के इश्यू हम लोग के लिए तो मैं तो बिल्कुल मैं हाँ तो मेरा कॉन्फिडेंट है तो मैं तो जीतूँगा ये पूछ से, क्योंकि अभी जैसे है अभी एक दिन तो बसा हुआ है, तो एक दिन में जैसे भी हम लोग अभी रोड शो वगैरह कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, जितना भी हम लोग के पास जितना तो आदमी आ रहा है तो सबका जो खुशी है सबका हम दिल से हम देखा है, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा होगा इस बार. इस बार इलेक्शन में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप पब्लिक के सामने जो है सामने ला रहे हैं वोट मांगते समय? देखिए, मेरा इश्यू तो डेवलपमेंट का इशू है, क्योंकि 5 साल में मैंने डेवलपमेंट हाँ जैसे किया था अब मैंने देखा है यहाँ पर. तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 900 से ज़्यादा रोड बन गया है, और जैसे ब्रिज 10 से ज़्यादा ब्रिज हुआ है. ऐसे भी ब्रिज था, एक ब्रिज ऐसा भी है जिसको बोलते हैं कि भुयापति ब्रिज, वो 32 ईयर्स के बाद में एक लॉन्ग डिमांड था, पेंडिंग था, 32 ईयर्स के बाद में ये ब्रिज अभी ओपनिंग हो गया है. तो डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है. तो ये तो मेरा तो मेन मुद्दा है जो ये डेवलपमेंट का इशू लेके हम लोग चल रहे हैं अभी, और नेक्स्ट 5 साल में भी एक ही इशू है कि हम लोग डेवलपमेंट की नौगांव मतलब चेंज करेगा, और नौगांव अभी तो बहुत चेंज भी हुआ है और अगले 5 साल में और भी चेंज हुआ है. नौगांव सीट में इस बार एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखा गया है, आपके जो मेन प्रतिद्वंदी है वो आपके स्वयं के जो है वो कजिन ब्रदर है शांतनु शर्मा, क्योंकि आप लोग वो एक कहा जाए तो एक परिवार से बिलोंग करते हैं, हालांकि अलग अलग पार्टी से आप लोग खेल रहे हैं. मेन आप दोनों में जो है मेन जो है यहाँ पर कॉन्टेस्ट हो देखा जा रहा है, माना भी जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इससे जिससे जो है वोटिंग प्रोसेस में किसी तरह का फ़र्क पड़ेगा? नहीं देखिए, तो ये फैमिली रिलेशन दूसरा है, तो आइडियोलॉजी दूसरा है. तो मैं अभी बीजेपी का हूँ, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है तो हम लोग का जो है कि ये तो लास्ट 5 साल में तो असम में जितने भी डेवलपमेंट हुआ है और बीजेपी का ये गवर्नमेंट में, तो सबका जो हम लोग का मुद्दा है कि हमो विकास हमो उन्नयन, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास. और ये इशू जो हम लोग का जो आइडल पर्सन है श्यामा प्रकाश मुखर्जी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, वाजपेयी जी हो, मोदी जी, तो उनका आइडियोलॉजी दूसरा है. कांग्रेस अयोध्या अभी एक लोग हो गया है, एक साथ में है अभी, तो उनका आइडियोलॉजी दूसरा है. ये सेकेंड और थर्ड फेज में जो है कहा जा रहा है कि जो है क्योंकि जो है नौगांव में भी जो माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन जो है काफ़ी हद तक है, और ये आसपास के इलाकों में भी आप मानेंगे काफ़ी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, तो फिर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जो है एक तरह से जो है फैक्टर है, इसको मानना पड़ेगा. तो क्या आपको लगता है कि महाजोट में AIUDF या इस नौगांव या फिर इस इलाके में कितना प्रभाव डाल पाएगा? AODF और कांग्रेस का तो एक ही वोट है, दूसरा तो कुछ भी नहीं है. तो कांग्रेस और AODF लास्ट MP इलेक्शन में भी वो लोग एक साथ में था. क्या आपको लगता है कि सेकेंड फेज में नौगांव या कहीं भी CA का एक फैक्टर है? CA का तो कोई मुद्दा सुलता नहीं है. अब देखिए, आप लोग CA को लेके तो फर्स्ट फेज में लेकिन काफी उछाला गया, इसको मैं पूछ रहा हूँ. मुझे तो फर्स्ट फेज का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मिडिल असम में CA कोई मुद्दा ही नहीं है. CA को लेके CA जब था पूरा ये हाई लेवल पर था तब भी हम लोग का पंचायत इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन था, तो भी कोई फैक्टर नहीं हुआ, इस बार भी कोई फैक्टर नहीं होगा. Meanwhile, Shantanu Sharma is confident of being a game changer. He alleged that the BJP has failed in addressing core issues and therefore people are looking for a change in Naugaon.
contending for the seat of Naugaon on behalf of the Congress. Yeah. How is the campaigning going on so far? How is the mood? How confident are you? Campaigning is going on very smoothly, and I hope I will success in this entering election. What are the main factors that you are highlighting while putting yourself as a candidate in front of the voter? See, the unemployment is the major issues. Then the price rise is the major issue. Then regarding the failure of the BJP in the last 5 years, these are the major issues to campaign against BJP government. Sir, this time the contest is quite unique because you are pitted against your own cousin brother who is contesting on a BJP ticket. So is that going to impact the voting process in any way? How do you feel? Yeah, something it happens. If you go into past also, you've seen the J.B. Acharya Kripalani and his wife, Sushitra Kripalani, they contested against themselves. And even in Assam also, late Pratap Solya, he was from AGP, and his son Kirib Solya was in Congress. So these are the instances which are going on in India now. So, but like, are you expecting some kind of a contest or are you expecting to win by a good margin? See, the second mayor will give the ultimate results. So you'll have to wait for that also. But I'm confident that 101% I'll success. Since you're part of the Congress Mahajot, you're a candidate of the Mahajot. So this time a lot of criticism is being put on the Congress because of the alliance with the AIUDF, because other parties are calling AIUDF as a communal party. What do you have to say to that? The thing is this. These are the issues of the BJP, but they put they formed the Jilla Parishad in Darang district, even in other district also. How they are now keep mum about that case also. Regarding Jilla Parishad cases and everything, they are also with BJP and UDF, okay, to form the Jilla Parishad in Darang and other districts also. So these are the political areas.